जय हिंद गाइस। सो आज की जो आपकी क्लास है, इंग्लिश की क्लास होने वाली है। इसमें हम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और आपसे यही बोलूँगा कि जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप रेगुलर बेसिस पर अटेंड करें और वन बाय वन जो भी क्लास है उसमें आप उसको कवर करें। डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में आपको मज़ा आएगी, डर भी धीरे धीरे दूर होगा और आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड का सिनोनिम क्या होता है, यहाँ पे आपको ये बताना है। लेस, सफिशियंट, इंटेंस या फिर लॉस्ट। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटेंस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें इसका मतलब क्या होता है, डेप्थ ऑफ फीलिंग भी आप समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और थॉट हुआ, नॉलेज और एक्सपीरियंस। ठीक है, गहराई हो मतलब जिसमें फीलिंग में कोई होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई थॉट मतलब कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, किसी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। आप ओवरऑल इसमें ज़्यादा करके याद रख सकते हो। ठीक है, एबेंडेंट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रचुर मात्रा में ये भी आप इसको कह सकते हो प्रोफाउंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलाय ऑन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए ईडियम है ये, तो ये ईडियम का आपको बताना है कि मीनिंग क्या होगा। ठीक है, वन वर्ड नहीं है, ईडियम है रिलाय ऑन। तो रिलाय ऑन का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, किसी के ऊपर आप क्या हो, बिलीव करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, टू ट्रस्ट और बिलीव समवन और समथिंग, किसी पर, किसी पर्सन पर हो सकता है या किसी चीज पर हो सकता है, रिलाय ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रुति इज वन ऑफ डैश गर्ल इन द क्लास। तो द ब्रेव गर्ल, द ब्रेवेस्ट गर्ल, द ब्रेव्स गर्ल या फिर स्ट्रॉन्ग गर्ल। ध्यान रखेंगे ये एक सेंटेंस जो फॉर्मेशन है, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी द के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट गर्ल, बहादुर गर्ल है अपनी क्लास में, सबसे बहादुर गर्ल में से एक है। कौन? श्रुति। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे सब्सिक्वेंटली अनाउंस्ड दैट दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस टू डैश हर। तो एविडेंस से आप समझ सकते हो कि उसके पास क्या है, एविडेंस कोई पक्का सबूत नहीं है जिससे वो उसको मुजलिम क्या कर सके, साबित कर सके। ठीक है, उसको बता सके कि हाँ जो क्राइम हुआ है वो इसी ने किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इंडिक्ट करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी जो देखें, विंडिकेट, एग्जोनरेट या एक्सकल्पेट, इन तीनों का सिनोनिम आप सोच सकते हो कि ये तीनों सिनोनिम की तरीके से हैं और इनका मतलब क्या होता है, किसी को किसी इल्ज़ाम से फ्री करना कि हाँ वो दोषी नहीं है या दोष मुक्त। आप दो वर्ड में याद रख सकते हो, दोष मुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेगा और
नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, देखिए एंटीपैथी, एपैथी और एम्पैथी, तीनों वर्ड्स का बहुत ही नियर बाय डिफरेंस है, बहुत ही लिटिल बिट एकदम पॉइंट में आप कह सकते हो डिफरेंस है। देखिए एंटीपैथी का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, ठीक है, आप किसी चीज़ को लाइक नहीं करते हो किसी चीज़ को या किसी पर्सन को, तो एंटीपैथी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर कि आप उस पर्सन को लाइक नहीं करते हो। जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो वहाँ पे आपका एपैथी वाला सीन होगा। जब आपको फिजिकल अफेक्शन है, शारीरिक स्नेह है, ठीक है, ये स्नेह आप इस तरीके से देखेंगे, जब आपको शारीरिक स्नेह है, अफेक्शन है, तब वहाँ पे एम्पैथी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए वो कैप का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश में, तो मेक श्योर कि आप जो वर्ड्स हैं उनको आप लर्न करें, जो भी आपको यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम बताया जा रहा है, और जब आप ये फॉलो करेंगे हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी आपको पूरा चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी आप बैच वगैरह हमारा कंप्लीट ले सकते हो तो उसमें भी आपको सिस्टमेटिक वे में हर तरीके से चीज़ें करवाई गई हैं, ठीक है, फिलअप्स हुआ, एरर्स हुआ, और पूरा यहाँ पे टॉपिक, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, जिस चीज़ में भी एरर्स आती हैं वो वहाँ पे करवाया गया है, वर्ड्स दिए गए हैं, और पूरा यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जिस तरीके से होते हैं वो भी वहाँ पे करवाया गया है, ठीक है। तो और अदर सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएगा तो प्रॉपर स्टडी आपकी हो जाएगी। बाकी यहाँ पे फ्री वाला प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे हमारा अवेलेबल, और पेड वाला जो है वो बैच है, तो बैच लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा है रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग भी पूछता है तो ध्यान रखेंगे, कमिटी की अच्छा स्पेलिंग। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, CHARA होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस में डबल आर है और सिंगल एस है, ठीक है, और यहाँ पे ई है, ए नहीं है। लाइजन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला और कंफ्यूजिंग, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है LISION होता है लाइजन, ठीक है। और यहाँ पे कमिटी की आपको ध्यान रखना है COMMITTEE, डबल एम है, डबल टी है, डबल ई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कमिटी की स्पेलिंग। लाइजन का अगर हम एक मीनिंग देखें, सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है जो, या आप कह सकते हो दो लोगों के बीच में संबंध जो होता है वो भी यहाँ पे लाइजन से आप डिनोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट हमारा है द नेबर्स विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय टोनी, तो ये वाला जो आपका है पैसिव वॉइस दे रखा है, आपको ऑप्शंस में से एक्टिव वॉइस चुनना है, ठीक है, करेक्ट एक्टिव वॉइस कौन सा होगा, तो करेक्ट एक्टिव वॉइस आप ध्यान रखेंगे टोनी हैड बीन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है, ठीक है, पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं और एक्टिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो क्या ध्यान रखना है आपको, एक्टिव में आपका सिर्फ हैड लगा होगा और पैसिव में हैड बीन लग जाएगा, ठीक है। देखो रूल्स की तरीके से मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा तो आपको इतनी सारी चीज़ें हैं याद नहीं होगा, इसलिए एक्टिव पैसिव आप जितना प्रैक्टिस करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको उसका सही फॉर्मेशन आने लगेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव में हैड है तो पैसिव में हैड बीन लग जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो हैड बीन वाले हैं उनको हटाना है क्योंकि हमको सिर्फ हैड चाहिए, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये और ये, तो हैस तो हो ही नहीं सकता, टेंस में चेंज होता नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, टोनी हैड ब्रोकन द
नेबर्स विंडो। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पैट्रॉन का सिनोनिम बताना है। पैट्रॉन, वेंडर, ब्राउन एल्गी और बायर या फिर क्लाइंट। तो पैट्रॉन का अगर हम सिनोनिम देखें, ऑप्शन डी क्लाइंट, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, डीम्योर का एंटोनिम बताना है। मेक श्योर आप क्वेश्चन में देख लें सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम, ठीक है, तब आंसर पे जाए। तो डीम्योर का मतलब क्या होता है, शेमलेस, ठीक है। मतलब इसका एंटोनिम जो है क्या होता है, शेमलेस। डीम्योर का मतलब क्या होता है, जो बहुत शाय पर्सन होता है ना, उसको हम डीम्योर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको एंटोनिम बताना है, तो एक शर्माता है जो, और दूसरा जो नहीं शर्माता है, शेमलेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी शेमलेस, ठीक है। तो डिम्योर का एंटोनिम शेमलेस होगा। लेविश यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, इसका नाम, इसका जो मतलब है, सॉरी, आपको ध्यान रखना है, खर्चीला, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट आप बोल सकते हो। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग पर्सन को कहते हैं, ठीक है, जो बहुत मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग, ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, इसका मीनिंग आपको क्या नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है। मेक श्योर आप क्वेश्चन के आंसर जब मैं आपको बताता हूँ, तो आप अपना आंसर टैली करते हुए चले कि हाँ वो सही आंसर है कि नहीं। आपको अपना लेवल भी पहचानना है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी भी करनी है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बींग अवे फ्रॉम पॉवर्टी, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, तो बींग अवे फ्रॉम पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मेल्स अ रैट, रैट जब आता है आपके जैसे कमरे में आ गया, तो आपको एकदम मतलब हो जाता है ना कि यार स्मेल आ रही है बहुत, तो उसका यहाँ पे मीनिंग क्या है, मतलब एक ये आप कह सकते हो कि ये एक फ्रेजल ईडीएम है, सॉरी, इस ईडीएम का मतलब क्या है। तो स्मेल्स अ रैट का मतलब क्या है, फाउंड समथिंग क्यूट, स्मेल्स बैड, सस्पेक्ट समथिंग, या फिर टू कॉल अ पर्सन फॉर अ पार्टी, क्या होगा, ऑप्शन सी सस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज़ पे डाउट करना, आपको डाउट होता है, तो स्मेल्स अ रैट का मतलब होता है सस्पेक्ट समथिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, डिलीरियम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है, क्लोजेस्ट मीनिंग, तो टू थिंक क्लियरली, हेलुसिनेशन और ल्यूसिडिटी, तीनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, एक अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे आप। अ ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, अ प्राउड बॉय ऑफ द फैमिली, अ लकी पर्सन, समवन हु एम्बेरसेस अ ग्रुप और फैमिली, बेस्ट पर्सन ऑफ द ग्रुप। ब्लैक शीप हम किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, समवन हु एम्बेरसेस अ ग्रुप और फैमिली, समवन हु एम्बेरसेस अ ग्रुप और फैमिली। एम्बेरसेस का यहाँ पे आप स्पेलिंग जरूर देखें, ठीक है, ये ई एस हटा देंगे तो एम्बेरस बन जाएगा, तो एम्बेरस की स्पेलिंग पूछता है, ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस, ठीक है, डबल आर ए डबल एस। आगे बढ़ते हैं, एम्बेरस देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिड का मीनिंग पूछ रहा है। एरिड, एरिड लैंड आपने सुना होगा, ठीक है, तो फर्टाइल, ड्राई, स्टराइल या फिर बैरन, तो एरिड का मतलब क्या होता है, बंजर, ठीक है, बंजर, यहाँ पे बैरन भी हम बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, बैरन, बंजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर बीइंग ग्रेजिंग हेयर फ्रॉम आफ्टरनून. तो दीज क्या होगा, कैटल्स होगा, कैटल होगा, टाइप ऑफ कैटल्स या ग्रुप ऑफ कैटल्स. बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन से आपने, बचपन से तो नहीं, मतलब जब आपके ग्रामर आई, जैसे ही इंग्लिश ग्रामर, वैसे ही आपको ये पढ़ाया गया होगा कि भैया कैटल्स आर ग्रेजिंग होगा या कैटल आर ग्रेजिंग होगा. ठीक है, याद करो वो, कि आपको याद है. अगर याद है कि बी वाला होगा तो यस यू आर राइट, कैटल आर ग्रेजिंग. ठीक है, दीज कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल्स नहीं होगा. कैटल मतलब ग्रुप ऑफ शीप होता है, आप सभी को पता ही होगा. आगे बढ़ते हैं, इसके साथ हम प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल वर्ब. ठीक है, फॉरेन का एंटोनिम आपको बताना है, तो अर्बन, रूरल, इंडियन या नेटिव. तो फॉरेन का इंडियन मत मार देना, ठीक है, नेटिव यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन क्यों नहीं होगा. अब सपोज यही फॉरेन का, इसी फॉरेन का एंटोनिम हम किसी अमेरिकन से पूछ लें तो क्या कहेगा, कि फॉरेन मतलब कोई और कंट्री और अमेरिका हमारी जो खुद की कंट्री है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा ना, जो खुद की कंट्री है मतलब एक जहाँ पे आप रह रहे हो नेटिव कंट्री वो होगी, और जो दूसरी कंट्री आप जिसका जिक्र कर रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, वो वहाँ पे आप फॉरेन कंट्री बोल सकते हो. ज़रूरी नहीं है जो कंट्री आपके लिए फॉरेन है, जो सिटी आपके लिए फॉरेन है, वो किसी दूसरे के लिए भी फॉरेन हो. ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आई थिंक देयर इज़ अ लिटिल नीड टू द डिस्कशन. तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन क्या यूज़ हो सकता है वो आपको बताना है, टू की जगह पे, अंडरलाइन है ना, टू बताना है आपको, टू की जगह पे कौन सा बेस्ट प्रीपोजिशन हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं जिससे कि सेंटेंस करेक्ट हो जाए हमारा. सो इफ यू थिंक कि ऑप्शन नंबर सी, देन यू आर रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे. आई थिंक देयर इज अ लिटिल नीड, फॉर द डिस्कशन. ठीक है, क्या होगा, आई थिंक देयर इज अ लिटिल नीड फॉर द डिस्कशन. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, हर कलीग्स कॉल हिम अ गॉर्जियस. हर कलीग्स कॉल हिम अ गॉर्जियस. करेक्ट यहां पे फॉर्मेशन क्या होगा, शी इज कॉल्ड अ गॉर्जियस. ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अगेन ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है, ये आपकी पैसिव वॉइस है, ये आपकी एक्टिव वॉइस है. यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे. ठीक है, तो शी इज कॉल्ड अ गॉर्जियस डायरेक्ट. आगे बढ़ते, सलिन का सिनोनिम क्या होगा. सलिन मतलब होता है दुखी, है ना, तो दुखी का यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे देखोगे कौन सा, सैड वाला. बाकी ये हैप्पी, डर्थ, इसका मतलब क्या होता है, खुश. हैप्पी मतलब खुश, तो डर्थ का मतलब भी क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हैप्पी का मतलब तो खुश होता है, डर्थ का मतलब कमी होती है. ठीक है, डर्थ का मतलब कमी, स्कैंटी जिसे हम कहते हैं, लैकनेस कहते हैं, वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. एंटीसिपेट का मतलब है कि एक्सपेक्ट करना. ठीक है, एंटीसिपेट टू एक्सपेक्ट. आगे बढ़ते, आउटडेटेड और नॉट बींग इन यूज, आंसर आपको पता ही चल गया, ऑब्सोलेट. इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, कई बार जब आपसे पूछता है तो ई की जगह पे ए कर देता है. ठीक है, और वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना है एल ई टी ई है, ऑब्सोलेट. ठीक है, ऑब्सोलेट का मतलब होता है प्राचीन, आप कह सकते हो, जो अभी हाल फिलहाल में यूज़ में नहीं है, आउटडेटेड हो चुका है. ठीक है,
सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी ई बुक और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा जो बैच है वो ले सकते हो, एक एप्रोप्रिएट कॉस्ट पे आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, भरपूर मात्रा में आपको कंटेंट दिया जा रहा है जिससे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी फ्री प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट से कर सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं, अपने सभी मित्रों को फ्रेंड्स को शेयर करें और फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। एंड इफ़ यू फॉरगेट टू लाइक देन डू इट नाउ। जय हिंद, जय भारत।